एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट ट्यूटोरियल नेचर्स पपाया फेशियल का। तो ये फेशियल किस टाइप से हमें करना है और कौन सी स्किन पे जाएगा, तो इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस, बहुत हो गए हेयर के वीडियोस और अब मैंने स्टार्ट कर दिए हैं स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फेशियल हैं, वो सारे वीडियोस अब मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो सबसे पहले फेशियल का जो स्टेप स्टार्ट होता है, सबसे आपको पहले आपको मेकअप रिमूव कर देना है कम्प्लीटली। और ये इसका क्लिंजर है और क्लिंजर को सफिशेंट क्वान्टिटी में आपको लेना है और हमेशा ध्यान रखना है हर चीज़ को बिल्कुल आप स्पैचुला से ही लें। और ये जो क्लिंजिंग का टाइम है अराउंड आपको 3 to 5 minutes करने हैं, क्योंकि फेशियल का एक ही रूल होता है, अगर आपका सरफेस क्लीन हो जाए डस्ट मेकअप और ये सब अगर पहले आप क्लिंजिंग से हटा देंगे तो आपका जो फेशियल का रिज़ल्ट है वो अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है क्लिंजिंग। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये फेशियल है वो 4-step फेशियल है। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपका क्लिंजिंग, देन स्क्रबिंग, फिर क्रीम की मसाज एंड देन आफ्टर पैक। तो जनरली ये 4-step फेशियल है और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक फेशियल है। जो आप ये फेशियल देख रहे हैं, ये एक डेमो क्लास की फेशियल है जो आप देख रहे हैं और मैंने इंट्रोड्यूस किया है सैलून पे अपने। तो देखिए, आप अगर आप इसका कॉस्ट सुनेंगे तो आप खुद ऐसा सोचेंगे कि कितना इकोनॉमिक कॉस्ट है। एक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आप बहुत ही अच्छा फेशियल कर सकते हैं। तो ये फेशियल के जो किट की प्राइस है वो ओनली 450 rupees है, जिसमें आप बहुत सारे फेशियल कर सकते हो अगर आप ये पूरा किट परचेज़ कर लेते हो। तो यस, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है फेशियल। और आप देखेंगे अभी यहाँ पे क्लिंजिंग हो गई और क्लिंजिंग मिल्क हटा रहे हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं जो इसका सेकेंड स्टेप अभी स्टार्ट होने वाला है, तो ये है स्क्रब। अब स्क्रब आप देख रहे हैं एकदम पाउडरी फॉर्म में होता है इस तरह से, और इसमें आपको या तो रोज़ वाटर मिलाइए या आप नॉर्मल वाटर भी मिला सकते हैं। मिला के आपको पेस्ट बनाना है, क्योंकि जो ये स्क्रब है वो ब्लेमिशेस हटाने का भी काम करता है। तो आपको ये पेस्ट बनाना है, जैसे आप पैक का पेस्ट बनाते हैं वैसा पेस्ट बनाइए और स्किन पे अप्लाई करके थोड़ा सा इसको ड्राई होने दीजिए। अराउंड आपको 5 to 6 minutes वेट करना है, ताकि इसमें जो ब्लेमिशेस हटाने वाले जो क्वालिटीज़ हैं वो एक्टिवेट कर दे आपकी स्किन को और वो हट जाए। तो इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में एप्लीकेशन हो रहा है स्क्रब का, और स्क्रब को अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने तक वेट करेंगे। तो यस, जैसा मैंने आपको बताया। और ये फेशियल जो होता है, मेनली जो पपाया फेशियल होता है वो पिगमेंटेड स्किन के लिए होता है। अगर आपको डार्क सर्कल है और आपकी स्किन पिगमेंटेड है, तो उस टाइप के स्किन के लिए ये फेशियल बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी शादी होने वाली है, आप किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं, या आप नॉर्मली कोई फेशियल चाहते हैं जब आपकी स्किन पिगमेंटेड है, तो आप इसको कॉन्टीन्यूस ले सकते हैं। एक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा फेशियल होने वाला है और आप इसका फाइनल रिज़ल्ट आज के वीडियो में देखेंगे। और मेरे को इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, सो ये फेशियल भी मैंने अपने सैलून पर रख लिया। तो जो बजट फ्रेंडली आप काम करना चाहते हैं, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपको ये किट परचेज़ करनी है, तो लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। और आपने देख रहे हैं जैसे यहाँ पे अब ये स्क्रबिंग स्टार्ट हो गई है। स्क्रब ड्राई हो गया था, अब आप देख रहे हैं स्क्रब को धीरे धीरे बिल्कुल लाइट हैंड से रोटेटिंग मूवमेंट पे हमको ये स्क्रबिंग करनी है और धीरे धीरे वाटर ऐड करते रहना है और इस तरह से स्क्रब करना है। जो स्क्रबिंग की ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है स्किन टू स्किन। नॉर्मली आप 3 to 5 minutes स्क्रबिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लाइट एकदम लाइट हैंड से करें, क्योंकि इसके जो दाने हैं थोड़े से
कोर्स या मोटे हैं तो इस तरीके से आपको बहुत ही लाइट हैंड से करना है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा इस फेशियल का अगर आप इसको ट्राई करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पे डिटेन या ब्लीच कुछ भी नहीं किया इनके स्किन पे और फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे कि तो इस फेशियल का कितना अच्छा रिजल्ट आया है। सो यस, करवा चौथ भी आ रहा है और अब सीजन स्टार्ट हो रहा है तो मैंने भी ये फेशियल किट रख लिया है सैलून पे और आप डेमो क्लास का ये रिजल्ट देखेंगे कितना अच्छा आया है। स्क्रबिंग के बाद आपको जो फेशियल का वाटर है वो बिल्कुल चेंज करना है और फेस पे जो इसके पार्टिकल्स हैं स्क्रब के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए क्योंकि अब इसके बाद हम क्रीम की मसाज करेंगे। अभी यहाँ पे ब्लैकहेड्स एंड वाइट हेड जितना भी आपके स्किन पे कहीं पे भी हो तो वो आप हटा देंगे क्योंकि इस टाइम पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम स्क्रबिंग करते हैं तो ये पार्ट आप सॉफ्ट हो जाता है। आपका नॉर्मल स्किन है तो आप स्टीमिंग भी कर सकते हो और ऑयली है तो स्टीमिंग ना लें। इनकी स्किन ऑयली है तो हमने स्टीम नहीं दिया है। तो इस तरीके से आप ब्लैकहेड्स एंड वाइट हेड्स हटाएंगे और इसके बाद जो स्टेप आ रहा है वो है ये क्रीम और क्रीम की मसाज आपको बहुत अच्छे से देना है। अच्छी खासी क्वांटिटी में क्रीम लेना है और आपको 10 से 15 मिनट क्रीम की मसाज देनी ही देनी है। बहुत ही अच्छे से क्रीम के स्टेप्स करने हैं और फेशियल का रिजल्ट तभी आता है जब आप फेशियल के कंप्लीट स्टेप और बहुत राइट वे में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टेप्स कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कर दें। जो जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि क्रीम की मसाज जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक एक एरिया पे जो हमारे मसाज के स्टेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी गलत डायरेक्शन में कोई भी काम करने पे रिजल्ट नहीं आता है। तो आप जैसा देख रहे हैं ये फेशियल अभी इन्होंने क्रीम की मसाज कर रहे हैं। तो यस गाइस, अगर आप एक एफोर्डेबल प्राइस में कोई फेशियल लेना चाहेंगे तो मैं ये आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और यस, ये भी बता दूं कि अभी मैं स्किन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूं जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फेशियल्स के बारे में भी बताऊंगी और अदर ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। आपको हेयर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट हैं वो भी बताऊंगी। काफ़ी आपके मैसेजेस आए हुए हैं, आप कमेंट करके बताते हैं कि आपकी क्या क्वायरीज़ हैं, हेयर से रिलेटेड कौन से ट्रीटमेंट आपको जानने हैं वो भी आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए भी हैं तो यस, इनसे रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ और आप देखेंगे जो भी आपकी क्वायरीज हैं वो सारी की सारी दूर हो जाने वाली हैं। तो हेयर की काफ़ी वीडियोस बन गई थी तो सो मैंने सोचा टॉपिक थोड़ा चेंज किया जाए और यस, स्किन से की कुछ ट्रीटमेंट आपको बता दिया जाए। तो ये क्रीम की मसाज आपको करना है और लास्ट में आपको प्रेशर पॉइंट देने हैं और एक वीडियो मैं ऐसा बताऊंगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट जो फेशियल के स्टेप्स हैं उनमें किस स्टेप का क्या वैल्यू है, किस लिए हम कौन सा स्टेप करते हैं, जिसमें मैं वो डेमोंस्ट्रेशन कंप्लीटली दूंगी आपको। अभी आप ये स्टेप्स देखिए और आगे बताऊँगी कि मैं आप फेशियल में कौन से पॉइंट पे क्या काम किया जाता है, कैसे हम मसाज के बाद प्रेशर पॉइंट की क्या वैल्यूज़ हैं। तो यस, ये सारी की सारी बातें मेरी अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर आएंगी, आप देखिएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि ये फेशियल का रिज़ल्ट आपको कैसा लगा। तो ये क्रीम के मसाज कंप्लीट होते ही फिर इसके बाद हमको इसका जो पैक है वो अप्लाई करना है। पैक थोड़ा सा थिक है तो इसको थोड़ा सा लाइटन करने के लिए आप रोज़ वाटर मिला सकते हैं और इसको अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन के बाद जो पैक है जब तक वो ड्राई नहीं होता, जब तक आपको अप्लाई करके रखना है और ड्राई होने के बाद उसको हटाना है। तो ये है 4-step फेशियल नेचर्स का, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं इस प्रोडक्ट के।
जिनकी स्किन पिगमेंटेड है, जैसे आप देख रहे हैं इनके दानों के निशान हैं, इनके माथे पे भी काफ़ी ब्लेमिशेस थे, और फाइनली आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया फर्स्ट ही उसमें। जब ये 2 से 3 बार इस ये फेशियल लेंगे तो बिल्कुल इनकी स्किन क्लियर होने वाली है और इनको डिटेन या ब्लीच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसा रिज़ल्ट चाहते हैं तो ये फेशियल एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और जब ये आपका क्रीम कंप्लीट हो जाएगा, क्रीम की मसाज, और इसके बाद अब हमको जो पैक है वो अप्लाई करना है। ये है इसका पैक और इसे देखिए काफ़ी थिक है। इसको स्पैचुला से लेंगे और बोल में लेके, और इसके बाद इसको इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला के और पेस्ट इस तरह से बना के फिर आप अप्लाई कर देंगे। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा थिक है, रनिंग नहीं है, तो आपको हल्का सा ये सब चीज़ें करना पड़ जाता है फेशियल में, और इससे आपके फेशियल का रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। जो भी काम करें फेशियल में, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे अपवर्ड डायरेक्शन में ही काम करना है। तो इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं पैक के एप्लीकेशन, और इसको आपको रखना है अराउंड 5 to 6 minutes, जितने देर में ये ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद हल्का हल्का मॉइस्ट करते करते इसको धीरे धीरे हटा देना है। तो ऐसे आपका ये फेशियल कंप्लीट होगा और देखेंगे केवल 4 स्टेप फेशियल में ही रिज़ल्ट कितना अच्छा आएगा। कोई भी फेशियल आप करें तो होम केयर ज़रूर बताना है, लाइक फेशियल के बाद तुरंत जाके आपको फेस वॉश नहीं करना है, ओवरनाइट ऐसे ही रहना है, और मॉर्निंग में ही आप जो भी करना चाहें फेस में या कोई भी क्रीम अप्लाई करना चाहें, कुछ छोटी छोटी बातें जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको बताना है क्लाइंट को। और जब भी फेशियल करके छोड़ें आप क्लाइंट को, तो SPF ज़रूर अप्लाई करें। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे अभी SPF अप्लाई हो रहा होएगा जब ये पैक हटा देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको आप फेशियल का रिज़ल्ट भी बढ़ा सकते हो और आपके क्लाइंट को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा आप रिज़ल्ट सैलून में छोड़ेंगे वैसा ही रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। तो ये है इस फेशियल का रिज़ल्ट, और गाइस ज़रूर बताइएगा आपको ये रिज़ल्ट कैसा लगा। और यस, कुछ नया लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।